पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है। और गुस्सा आप देख पा रहे हैं, किसान नेताओं का गुस्सा आप इस वक्त देख पा रहे हैं, गुस्से में है काफी ज्यादा। काफी बड़ा हुजूम इस वक्त लगा है, सरकार का पुतला लेकर आए हैं और फूंकने की तैयारी की जा रही है। हाथों में पुतले लिए इस वक्त आप किसानों को देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों ने, किसान काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। देखिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त सरकार के खिलाफ की जा रही है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद है, आज किसान ब्लैक डे मना रहे हैं और सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। सरकार का पुतला फूंकने के लिए इस वक्त आप आक्रोशित किसानों को देख पा रहे हैं, किसान जोश में है। और पीछे जो सभा किसानों की चली हुई है वहां पर उन्हें अपील की जा रही है कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हालात तनावपूर्ण हो जाए। लेकिन जो आक्रोशित किसान है जिनमें गुस्सा है वो सरकार के पुतले को फूंकने का काम कर रहे हैं। इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर सरकार का पुतला फूंकने का काम किया जा रहा है, किसान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और इस बीच थोड़ी स्थिति तनावपूर्ण होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सीधा एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों को आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब केसरी बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है, यहाँ पर सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है और गुस्सा आप देख पा रहे हैं, किसान नेताओं का गुस्सा आप इस वक्त देख पा रहे हैं, गुस्से में है काफी ज्यादा। और इस वक्त सरकार का पुतला फूंकने का काम किया जा रहा है, काफी आक्रोशित इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जोश में है किसान, लेकिन जो सभा हो रही है पीछे वे बार बार अपील कर रहे हैं अपने किसान भाइयों से कि जोश में अपने होश ना खो बैठना। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है, काफी बड़ा हुजूम इस वक्त लगा है, सरकार का पुतला लेकर आए हैं और उसे फूंकने की तैयारी की जा रही है। एक बड़ी सभा इस वक्त की जा रही है शंभू बॉर्डर पर, जहां पर सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रही है और सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त आप देख पा रहे हैं। काफी ज्यादा आक्रोशित इस वक्त किसान नजर आ रहे हैं। सुबह से जो माहौल शांत नजर आ रहा था वो इस वक्त कहीं ना कहीं आक्रोश में नजर आ रहे हैं किसान। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान इस वक्त सरकार का पुतला फूंकने का काम करने जा रहे हैं। आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं इस वक्त किसान। लगातार आप झंडे देख पा रहे होंगे किसानों के हाथों में, लगातार सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। आज ब्लैक डे घोषित किया गया था किसानों की तरफ से। सीधा तस्वीर इस वक्त शंभू बॉर्डर से हम आपको दिखा रहे हैं। एक नहीं, यहाँ पर सरकार के कई पुतले फूंकने की तैयारी में किसान प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। हाथों में पुतले लिए इस वक्त आप किसानों को देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की सीधी तस्वीरें। इस वक्त आक्रोशित हैं काफी ज्यादा किसान। आज आंदोलन का 11वां दिन है, 11 दिनों में अभी तक सरकार की तरफ से जो पहल की गई है किसान उससे खुश नजर नहीं है। और आज 11वें दिन किसान ब्लैक डे मना रहे हैं क्योंकि 9वें दिन जो हिंसा हुई है खनौरी बॉर्डर पे, जिसमें एक युवा किसान की मौत हो गई थी, उसके बाद किसान काफी ज्यादा आक्रोशित है और आज ब्लैक डे के तौर पर सरकार का पुतला फूंकने की तैयारी की जा रही है। आप यहां पर किसानों के नारों को सुन पा रहे होंगे। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हालात जो सुबह से लेकर शांतिपूर्ण थे वो इस वक्त किसान जोश में है। आप कहीं जोश में या हालात तनावपूर्ण ना हो जाए। तो देखिए पुतले में आग लगा दी है किसानों ने, किसान काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। इस बीच बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुतलों को आग लगाने का काम किया गया है, सरकार के पुतले को जगाने का काम किया गया है। इस वक्त बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा शंभू बॉर्डर से। सरकार के प्रति जो किसानों का आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। देखिए सरकार के पुतले को जलाने का काम किया है। अब किसानों का ये आक्रोश देखकर सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोई ना पापा मार के देगा।
देखिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, जबरदस्त नारेबाजी इस वक्त सरकार के खिलाफ की जा रही है। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ इस वक्त जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। लगातार हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए इस वक्त कितने ज्यादा आक्रोशित है, और कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार हम आपको बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए पुतला तो फूंक दिया लेकिन अब उसके बाद भूसा डालने का काम किया जा रहा है। आक्रोशित किसान इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, शंभू बॉर्डर से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसानों का गुस्सा आप देखिए, और यही वो गुस्सा है जो अक्सर जब भिड़ंत होती है तो तनाव में बदल जाता है, और लगातार किसान शांति तो बनाए हुए हैं लेकिन सरकार के खिलाफ जो उनका आक्रोश है वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हाथों में किसानों के झंडे हैं और जुबान पर सरकार के खिलाफ नाराजगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।